दोस्तों आज हम एक ऐसी इकलौती नदी के बारे में जानेंगे जो अपवित्र है और लोग इस नदी के पानी को छूने से भी कांपते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत में कई नदियां बहती हैं। इन नदियों को लोग काफी पवित्र भी मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन इस देश में एक ऐसी नदी भी है जिसे अपवित्र माना जाता है और लोग उसे छूने से भी कांपते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जिन नदियों को भारत में पूजा जाता है वैसे में एक नदी ऐसी है जिसे लोग डरते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ऐसी कौन सी नदी है जिससे लोग खौफ खाते हैं। दोस्तों इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा दो शब्दों कर्म और नाश शब्द से मिलकर बना है, जिसमें कर्म का मतलब होता है काम और नाशा का मतलब होता है नाश होना। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि ये नदी बनी कैसे। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे और मुंह से लार गिरने लगी, यही लार बहने से नदी बन गई। गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी धृष्टता के कारण चांडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि इस श्राप के कारण ही इस नदी को शापित और अपवित्र माना गया। दोस्तों इसी कारण से इस नदी को कोई हाथ नहीं लगाता और सभी लोग इससे डरते हैं। इस नदी के पानी को पीना तो दूर, लोग छूने से भी डरते हैं। दोस्तों एक समय पर इस नदी के किनारे रहने वाले लोग फल खाकर ही गुजारा कर लेते थे, लेकिन इसके पानी का इस्तेमाल नहीं करते थे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस नदी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।